दोस्तों एक बार फिर रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से लखनऊ के खिलाफ लखनऊ के पूरी टीम की सांसें रोक दी थी, क्योंकि जब आखिरी दो ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को 41 रन बनाने थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोलकाता की टीम ये मैच जीतेगी, तब रिंकू सिंह ने अपने बल्ले का दम दिखाते हुए इस मैच में लखनऊ के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई कर दी। दोस्तों उनके बल्लेबाजी को देखकर सब चौंक उठे थे। इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बना दिए थे। इसके जवाब में जब कोलकाता की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक के बाद एक विकेट गिरते हुए उनके हाथ से मैच चला गया। जब आखिरी दो ओवर में कोलकाता को पूरी 41 रन बनाने थे और 19वां ओवर नवीन उल्लख डालने आए तो उनके शुरुआती तीन गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार तीन चौके जड़ दिए, तो अगली गेंद पर दो रन लेके पांचवी गेंद पर छक्का लगा दिया और पूरे 20 रन बटोर लिए थे 19वां ओवर में। इसके बाद आखिरी ओवर में कोलकाता को 21 रन बनाने थे, जहां आखिरी ओवर की पहली गेंद पर वैभव अरोड़ा ने सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दी। यश ठाकुर की इस ओवर में जहां रिंकू सिंह ने दो गेंदे खाली कर दी थी, लेकिन चौथे गेंद में एक शानदार छक्का जड़ दिया था और आखिरी दो गेंदों पर कोलकाता को दो छक्के चाहिए थे, लेकिन अगली गेंद पर चौका लगा और आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर इस मैच में रिंकू सिंह ने कोलकाता का स्कोर 175 ले गए और मात्र एक रन से कोलकाता की टीम ये मुकाबला हार गई। लेकिन रिंकू सिंह ने इस मैच में 33 गेंदों में 4 छक्के 6 चौके के मदद से 67 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन रिंकू सिंह इस मैच को तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो आईपीएल के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। दोस्तों ये कोलकाता का आखिरी मैच था और इस मैच में भी रिंकू सिंह ने अपने बल्ले का छाप छोड़ दिया। क्या रिंकू सिंह को इंडिया की तरफ से खिलाना चाहिए? हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।